की तारीफ से छुपती फिर आँख में चोली मेरे तेवर में तहजीब की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप स्टार्टिंग में जो पीप टेरेस देखा, तो आप भी कुछ इस प्रकार टेरेस क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को बिना स्किप के इन तक देखना, ठीक है। तो गाइस, कुछ इस प्रकार एडिटिंग करने के लिए एलआईएम से आपकी जरूरत है, तो आपके पास एलआईएम से आप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल के रखें, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन होकर एलआईएम से को डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। तो जाने के पहले आप लोगों के साथ एक छोटा रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। तो गाइस, यहाँ से आप लोगों को एलआईएम को ओपन करने के बाद 2 बजे को इनपुट करना है ये एक्सएमएल फाइल और ये AJCC, तो इस दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखें, तो आप जाके एलआईएम से इनपुट कर लेना, ओके। फिर क्या करना है, आप लोगों को बिटमार्क पे टैप कर देना है। तो यहाँ से बिटमार्क पे टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस वजह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसका जो लिरिक्स आपके सामने दिख रहा है, तो इसका लिरिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा इनपुट करने पर। उसका जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया आप देख सकते हैं, इस फॉन्ट को आप एलआईएम पे सर्च करेंगे तो इस फॉन्ट को आपको मिल जाएगा एलआईएम पे, ठीक है। उसको यहाँ से ऐड कर लेना सारी लिरिक्स पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एक फोटो यहाँ पर नीचे दिख रहा है, इस लेयर में एक फोटो, और यहाँ पर ग्रुप दिखाई देगा 5, तो 5 ग्रुप में 5 अलग अलग फोटो आपको ऐड करना है। तो जितने सारी फोटो यहाँ पर ऐड होगा तो 9 to 16 साइज ऐड होगा, तो आपके पास 9 to 16 साइज फोटो नहीं तो क्या करना है, आपको 9 to 16 साइज कर लेना, ओके, ठीक है। तो 9 to 16 साइज करने के लिए आप लोग क्या करना होगा, तो पहले बैक जाके आपको चले जाना होगा, फिर प्ले बटन पर क्लिक करके 9 to 16 साइज का एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ से आप लोगों को प्ले बटन पर क्लिक करना होगा, मीडिया पे जाना होगा, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, इस फोल्डर पे आपका फोटो है, ठीक है। तो एक फोटो यहाँ से चूज करना होगा, थ्रीआउट पर जाकर आपको फिल कंपोजिशन एरिया करना होगा, तो फिर क्या करना होगा, सेकंड पर क्लिक करके कॉन्फ्रेंस विंडो पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको 6 फोटो को 9 to 16 साइज कर लेना, ओके। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है 9 to 16 साइज फोटो। फिर आपको बिटमार्क पे आ जाना है, ठीक है। 9 to 16 साइज करने के बाद फिर आपको यह जो लेयर दिख रहा है, इस पर इस लेयर पर टैप कर देना है, कारण फिल पर जाना, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर पर आपका फोटो है, ठीक है। तो फिर आप लोग एक फोटो ऐसे चूज कर लेना होगा, फिर आपको प्लान पर क्लिक करके ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका जो फोटो है दिखेगा। फिर आप लोग यहाँ पर ग्रुप में कैसे फोटो ऐड करेंगे, तो ग्रुप में 2 तरीके में फोटो ऐड करूँगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ वीडियो को बिना स्किप के इन तक देखना, ठीक है। तो पहले फास्ट जो ग्रुप है इसमें आ जाना है, इसी ग्रुप पे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक एक करके भी कर सकते हैं वरना एक ही बार में कर सकते हैं। तो पहला जो ग्रुप है इसमें हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो पहला जो एरिया है इस पर टैप करने का, फिर पे जाना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना, यहाँ से एलाइनमेशन को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप एलाइनमेशन से 9 to 16 साइज किए तो सारी फोटो आप लोग एलाइनमेशन में मिल जाएगा, ओके। तो एक फोटो यहाँ से चूज करना, प्लान पर क्लिक करके ऐड कर लेना, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट लेयर पर टैप करने का, फिर पे जाना, टेक्स्ट पर क्लिक करना, उसी फोटो को सिलेक्ट करके आप लोगों को ऐड करना होगा, ठीक है। मतलब इतिहास जितने सारी लेयर दिख रहा है, तो यहाँ पर एक एक करके आप लोगों को फोटो को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। और एक तरीका आप लोगों को बताऊंगा, तो वो एक ही बार में हो जाएगा, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट ग्रुप में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले बैक करके आप नेक्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं, तो ग्रुप 1 में कुछ इस प्रकार से फोटो ऐड करेंगे, फिर आपको ग्रुप 2 में कैसे ऐड करते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो ग्रुप 2 में अलग तरीका है, तो आपको ग्रुप 2 पे आ जाना है पहले, फिर प्लान पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, एक फोटो सेलेक्ट करना है, इस आइकन पे क्लिक करके फोटो को कॉपी करना है, फिर आपको डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद क्या करना होगा, इस आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल लेयर करना, मतलब इस ग्रुप पर जितने सारे लेयर है सारे लेयर को सेलेक्ट करने के बाद इस आइकन पे क्लिक करके पेस्ट स्टाइल के अंदर जाके आप लोगों को स्टार को अनटिक करके पेस्ट कर देना, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर फोटो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सेम तरीके से आप ग्रुप 3 और ग्रुप 4-5 में ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो ग्रुप इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग बैक चले जाना होगा AJCC, तो AJCC पे आपको आ जाना होगा, फिर आपको यहाँ पर ऊपर 7 लेयर दिख रहा है, तो इसको कॉपी करना है, सिंपली लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट कर लेना होगा इस 7 लेयर को, फिर यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करना, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद बिटमार्क पे आपको फिर से आ जाना होगा, तो बिटमार्क पे फर्स्ट में आप लोगों ये 7 लेयर को पेस्ट कर देना, ठीक है। तो इस अकाउंट पर क्लिक करना है आप लोगों, और यहाँ से पेस्ट 7 लेयर कर देना, ओके, ठीक है। तो गाइस, आज यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, फिर आपको शेयर अकाउंट पे क्लिक करना है, वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दे रहा है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और गाइस आप हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चले गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।